गाइज, आज मैं बताऊंगा कि टेलीकॉम के इंटरव्यू की तैयारी आप करेंगे तो वो कैसे करेंगे डिफरेंटली, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टेलीकॉम सेक्टर्स को ज्वाइन होना चाहते हैं या फिर करियर करना चाहते हैं टेलीकॉम सेक्टर्स में, तो उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स या फिर क्वेरी आती है कि किन टॉपिक्स के भाई हम फोकस करें या फिर किन टॉपिक्स पर हमें ज़्यादा करके सोचना होगा। सो बेसिकली मैंने टेलीकॉम सेक्टर में बस एक महीना काम किया है, लेकिन मैंने क्लासरूम ट्रेनिंग प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली है 15 डेज़ की। सो इस बीच मैंने वो सारी चीज़ें सीखी है कि वो टेलीकॉम सेक्टर में क्या क्या होता है। सो अगर प्रैक्टिकल तौर पे बोलूँगा गाइज, तो जो कुछ भी थ्योरी पढ़ाते हैं उसका सिर्फ आपको 10% यूज़ करना होता है, क्योंकि जब आप कुछ थ्योरी पढ़ते हैं यानी इतना बड़ा बुक्स आप जब पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने के बाद जब आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं या किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तब जाके आपको सिर्फ 2 या 3 सॉफ्टवेयर पे लगातार काम करना पड़ता है। कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्योंकि कोई डेटा होता है जो RS फ्रीक्वेंसी पे कोई बंदा काम कर रहा है, यानी टावर की कोई लगातार फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर कर रहा है वो सॉफ्टवेयर, वो डेटा रिकॉर्ड कर लेता है, डेटा फीड कर लेता है, आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और जाके बेस स्टेशन में सबमिट करना है। सो बेसिकली वही काम रिपीटेडली आपको करना पड़ता है। तो बहुत सारे बंदे हैं जो टेलीकॉम में काम करते हैं, क्योंकि टेलीकॉम एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर आपको ट्रांसमिशन से रिसीविंग या फिर इंटरमीडिएट जो ट्रांसमिशन मीडिया है उस पर काम करना पड़ता है, बेसिक डिवाइसेस है, राउटर, स्विच, मॉडेम, ये सारी डिवाइसेस है उन पर काम करना पड़ सकता है या फिर अलग चीज़ है। तो जो कोई भी बंदा इस टेलीकॉम सेक्टर में करियर करना चाहता है वो इंटरव्यू के लिए किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको नेटवर्किंग का बेस आना चाहिए। नेटवर्किंग का बेस यानी आपको आईपी एड्रेस पता होने चाहिए, आपको केबल्स पता होने चाहिए, आपको कनेक्टर्स पता होने चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक होती है, जो मेजर डिवाइसेस होते हैं स्विच, राउटर, मोडेम, हब, रिपीटेटर, ये जो बेसिक डिवाइसेस होते हैं इनका नॉलेज भी आपके पास होना बहुत ही मैंडेटरी है। बाद में बात आती है गाइस की मीडिया ट्रांसमिशंस मीडिया के बारे में, डेटा कम्युनिकेशन, सैम्पलिंग रेट, ये जो अल्गोरिदमिक फ्रीक्वेंसी पे चेंजेस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, यानी थियोरेटिकल नॉलेज कैसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया जाता है। हफमन एल्गोरिदम आपने सीख लिया, उसका हफमन एल्गोरिदम का कोडिंग भी आपको पता है, लेकिन प्रैक्टिकल में हफमन एल्गोरिदम किस तरह से वर्क होता है या फिर जिस डिवाइस पे आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग रेट बता रहे तो एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी पे उसका क्या असर हो रहा है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें जब तक आपको समझ में नहीं आती तब तक आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं बढ़ेगा, यानी हाउ हैपन्स ये आपको पता नहीं चलेगा कि यानी चल कैसे रहा है। सो इन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। जब ये टॉपिक्स आपको आएंगे तब एक बात क्लियर होती है कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज फिट है। बस आप जब आपका प्रैक्टिकल नॉलेज फिट होता है तो आपको अनदर टॉपिक्स की पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज है वो ये तो कोई भी बंदा कर लेगा बाद में, जब ये प्रैक्टिकल नॉलेज फिट होता है तो इन टॉपिक्स पे फोकस करना है, दोनों को कंबाइन करना है और आपको इंटरव्यू देना है। अगर इस तरह से आप इंटरव्यू दे रहे हो गाइस, तो 100% मेक श्योर कि आपका सिलेक्शंस होना ही होना है। और इसके बाद भी कुछ क्वेरी आते गाइस तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।